हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 17 सितंबर 2020। योर चैप्टर थर्ड रिकैप्चुलेशन वाज गोइंग ऑन। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव स्टार्टेड द क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम द मिक्स्ड बैग। ओके, सो टुडे आई वांट टू कंटिन्यू इट। सो टुडेज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 ई पार्ट। इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन द एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कॉस्ट ₹5,865। वन डे 235 पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन अ दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट। हाउ मच मनी डिड द एयरलाइन गेट? इट मीन्स दिल्ली से मुंबई तक की फ्लाइट का कॉस्ट जो है, पर टिकट का कॉस्ट 5,865 रुपीज है। ओके, एक दिन में, वन डे में 235 पैसेंजर्स हमारे दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं। हाउ मच मनी डिड द एयरलाइन गेट? एयरलाइन को कितना पैसे की कमाई होती है एक दिन में, यानी कि एयरलाइन को कितना रुपया मिलता है। सो लुक हियर, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द यूनिटरी मेथड। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेथड यू विल सॉल्व इट। सो लुक हाउ कैन वी सॉल्व इट। सेंस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ वन पैसेंजर टिकट इज इक्वल टू ₹5,865। ओके, देयरफोर हाउ मेनी पैसेंजर्स हैज ट्रेवल्ड इन अ डे? 235। सो हियर यू विल राइट कॉस्ट ऑफ 235 पैसेंजर टिकट्स। सो बेटा वन दिया है, 235 पूछ रहा है, कम दिया है, ज्यादा पूछ रहा है। सो बेटा हियर यू विल मल्टीप्लाई। सो 5,865 इंटू 235। ओके, सो आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। सो लुक हियर इन द रफ कॉलम, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई 5,865 इंटू 235। नाउ लुक हियर, 5 5s are 25, 5 here 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 5 6s are 30, 30 plus 2 32, 2 here 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 5 8s are 40, 40 plus 3 43, 5 5s are 25, 25 for 4 29। ओके, देन आफ्टर दैट मल्टीप्लाई फ्रॉम 3 3 5s are 15, का 5 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 3 6s are 18, 18 plus 1 19, 9 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 3 8s are 24, 24 plus 1 25। ओके, 5 here 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 3 5s are 15, 15 plus 2 17। ओके, देन यू विल पुट द 2 क्रॉस हियर। नाउ यू विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 2 2 5s are 10, 0 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 2 6s are 12, 12 plus 1 13, 13 का 3 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 2 8s are 16, 16 plus 1 17, का 7 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 2 5s are 10, 10 plus 1 11। ओके, नाउ यू कैन एड इट, 5 7 3 and 9 12, 12 का 2 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 1 plus 9 10, 10 plus 5 15, 15 plus 3 18, 18 का 8 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। सो 1 plus 2 is equal to 3, 3 plus 7 is equal to 10, 10 plus 7 is equal to 17, 7 here 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। सो 1 1 2 2 plus 1 3, then 1 as it is you will be noted down. So your multiplication is 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 13 lakh, 78,275. So here you will write rupees 13,78,275. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to, here it has been given how much money did the airline get. So here you will write 13,78,275 rupees get the airline. Okay, airline ko 13,78,275 rupees receive hue. Clear students? Students, if you have any doubt then you can ask the query. रिमेंबर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। सो राइट द स्टेटमेंट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट वाइज। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक द एफ पार्ट।
In the F part, it has been given a residential apartment block gets 13,750 liters of water every day for the residents. यानी एक अपार्टमेंट है रेसिडेंशियल जिसमें क्या 13,750 लीटर वाटर चाहिए होता है डेली के लिए फॉर रेसिडेंट्स. ओके, आउट ऑफ दिस 1,000 लीटर्स इज यूज्ड टू वाटर द प्लांट एंड वॉश द कॉरिडोर्स. जिसमें से 1,000 लीटर्स वाटर जो यूज होता है प्लांट और कॉरिडोर के लिए यूज होता है. ओके, इफ देयर आर 85 हाउसेस इन द ब्लॉक हाउ मच वाटर डज ईच हाउसहोल्ड गेट्स. अगर हमारे कितने 85 हाउसेस है उस ब्लॉक में, सो हाउ मच वाटर डज ईच हाउसहोल्ड गेट्स, हर हाउस वाले पर्सन ने कितने वाटर को कंज्यूम किया. ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व. फर्स्ट यू विल राइट अबाउट दैट टोटल कंज्यूम्ड वाटर इज इक्वल टू 13,750 लीटर्स. ओके, देन आफ्टर दैट 1000 वाटर हैज बीन यूज, 1000 लीटर वाटर हैज बीन यूज फॉर प्लांट एंड वॉश द कॉरिडोर. सो हियर यू विल राइट वाटर यूज्ड इन प्लांट्स एंड कॉरिडोर इज इक्वल टू हाउ मच 1000 लीटर्स. सो आफ्टर दैट व्हाट इज द नंबर क्वांटिटीज ऑफ द वाटर. सो हियर यू विल राइट देयरफॉर आफ्टर दैट Remaining water used by apartments is equal to 13,750 minus 1000. Then after that you will find out the 12,750 liters. Clear students? Then after that it has been given if there are 85 houses in the block. Okay, so here you will write houses in block is equal to 85. Then it has been asked about that how much water does each household get. So therefore each household get water is equal to how much? 12,750 divided by 85. Okay. So now you will divide it. Look here how. 85, then 12,750. Okay. So 85 to the 170. So 170 will not be divisible. So aap one times isse divide karenge. So aayega 85 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 127 से. सो 7 में 5 गया 2, 12 में 8 गया 4. ओके, नाउ यू विल बी नोटेड डाउन 5 आप नोट डाउन करेंगे. सो आई हैव सीन हियर इट विल बी डिविजिबल बाय 5 टाइम्स बिकॉज 85 फोर जा 425. सो 85 फाइव जा 425. सो हियर यू विल राइट 5 देन 425. 425 में 425 माइनस करेंगे नथिंग. Then 0 you have been noted down here and as it is you will put it here. So it means 150 liters. Okay. So you will write the answer here. That is your answer. So in the question it has been asked about that. How much water does each household gets? So here you will write each household get is equal to 150 liters. Water. Clear beta? Any doubt to anyone? If you have any doubt then ask it beta. Okay, students, there are 4 more questions also here and each is based on your exercises. Some relates from the average as like J part, some is based on your unitary method. Okay, so beta, solve it also. Now I want to recapitulate question number 5th. In question number 5th you can see it here, it has been given understanding the 4 operations. A part has been given what number should be added to 3456 to get 7890. Okay, it means some 3456 mein kya add karein ki hamare ko number 7890 receive ho jaye. Okay, so look here how can we solve. Look the solution. First try to understand it.
आपको ऐड कितना करना है इसमें, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो 3450 में हम कितना ऐड करें, 7890 हो जाए। सो इट इज सो सिंपल बेटा, यू कैन ऑल्सो डिवाइड, ओनली डिवाइड फ्रॉम 7890 माइनस 3456। ओके, सो जीरो से सिक्स नहीं जाएगा, सो वन हम कैरी लेंगे इधर, टेन हो जाएगा, टेन में सिक्स गया फोर, नाइन में वन नंबर दे दिया एट बचा, एट में फाइव गया थ्री, एट में फोर हमने माइनस किया फोर, सेवन में थ्री गया फोर। सो यू विल राइट द आंसर, वी शुड एड 4434 टू गेट 7890 इन 3466। यानी हम 7890 पाने के लिए 4434 ऐड करेंगे, किसमें, 3456 में। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स लुक द बी पार्ट आल्सो। इन बी पार्ट इट हैज बीन गिवन व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9235 टू गेट 990। इट मींस 9235 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे को 990 रिसीव हो जाए। सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व। आपको बेटा इसमें सब्ट्रैक्ट करना है और मिलना कितना है 990। इट मींस दैट इज द 9235 एंड दैट इज 990। इट मींस 990 इज लेस देन द कंपैरिजन ऑफ 9235। सो 9235 में आप क्या करेंगे बेटा, 990 को माइनस कर देंगे। ओके, सो 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 3 से 9 नहीं जाएगा, सो हम 1 कैरी करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 9 गए 4। ओके, हियर 2 से 9 नहीं जाएगा, 1 हमने कैरी किया 12 हो गया, 12 में से हमने इधर एक 1 दे दिया तो क्या बचा 11, 11 में 9 गए 2, 9 में हमने 1 दे दिया क्या बचा 8। ओके, सो हियर यू विल राइट द आंसर, आंसर इज इक्वल टू वी शुड सब्ट्रैक्टेड 8245 from 9235 to get 990. Clear students? Any doubt? So okay, if you have any doubt then you can ask the query. Okay students, look the C part. In C part the question is the product of two numbers is 45,900. If one of the numbers is 45, what is the other number? Yani two numbers ka product kitna hai beta? 45,900, उसमें अगर एक नंबर 45 है तो अदर क्या होगा? सो बेटा कुछ नहीं करना आपको, आपको 45,900 में को 45 से डिवाइड कर देना है, देन आफ्टर दैट यू कैन गॉट द आंसर। क्लियर? नाउ लुक द डी पार्ट ऑल्सो। इन डी पार्ट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34,678, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30,020, व्हाट इज द अदर नंबर? दिस हैज बीन गिवन द सम, यानी दोनों नंबर का क्या है, ये टोटल है, सम है। सो आप क्या करेंगे बेटा, 34,678 में से 30,020 माइनस कर देंगे, सो यू कैन गॉट द अदर नंबर। ओके, क्लियर? लुक द ई पार्ट। इन ई पार्ट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 35, यानी अगर हम किसी नंबर को 35 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स अ क्वेश्चन ऑफ 270। सो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है, 270। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है? सो लुक हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is the question students, so here it has been given when a number is divided by 35, so it gives a question in the, so what is the number, so here you will write question is equal to 270 and kya divided by is equal to 35, so therefore number is equal to beta 270 into 35. Now you will multiply it. So in the rough column, look it. How can we multiply? 270 into 35, 0. 5 se 0 multiply karenge 0. 5 7s are 35, 5 here. 3 will be carry forward. 5 2s are 10, 10 plus 3, 13. Then 3 se aap karenge, 3 se 0 karenge 0. 3 7s are 21, 21 ka 1 here, 2 will be carry forward. 3 2s are 6, 6 plus 2, 8. Now you will add it 0549. Okay, so your answer is 9450. So that is your answer. You will write the answer. Answer number is
9450। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं करना है, आपने क्या जो भी आपका ये क्वेश्चन था हमने इसमें डिवाइडेड जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, देन आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द नंबर। ओके, नाउ लुक द अनदर पार्ट, एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एफ पार्ट, इट हैज बीन गिवन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 30,972। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 4,560, व्हाट इज द अदर नंबर? रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर का डिफरेंस कितना है बेटा? 30,972। उसमें अगर आपका वन नंबर इतना है तो अनदर कितना होगा बेटा? सो यू विल एड इट। ओके, दिस इज सो सिंपल, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व बाय यू। ओके, आई विल प्रोवाइड इट इन द क्वेश्चन होमवर्क। इन द जी पार्ट, इट हैज बीन गिवन बाय विच नंबर शुड 735 बी डिवाइडेड टू गेट 35 एज क्वेश्चन। सो लुक हियर इन द कॉपी, सो लुक हियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन इन द कॉपी। Here it has been given by which number should 735 be divided to get 35 as question। यानी क्या, हम 735 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो आंसर आए डिवीजन के बाद वो 35 है, क्वेश्चन हमारा कितना है 35 है। सो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना आपको, सो हियर यू विल राइट नंबर इज इक्वल टू 735 डिवाइडेड बाई 35। आप 735 को 35 से डिवाइड कर देंगे, सो इन द रफ कॉलम यू कैन सी इट, हाउ कैन वी डिवाइड 35, then 735, 35 to 70, then 73 में से हम 70 माइनस करेंगे, 3 बचेगा बेटा, then 5 यू विल बी नोटेड डाउन, 35 बन जा 35। ओके, सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर इज इक्वल टू 21, सो हियर यू विल राइट द आंसर, आंसर नंबर इज 21। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में इतना ही, इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट्स देन यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके।